आज यहाँ पे आए हुए सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सुबह जब मैं पंजाब पहुँचा तो बड़े दुख की खबर सुनने को मिली कि 3 महिलाएं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो संघर्ष कर रही थी किसानों के साथ, एक ट्रक ने उन तीनों को कुचल दिया और उन तीनों की मौके के ऊपर उन तीनों की मौत हो गई। सबसे पहले मैं उन तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन तीनों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवार वाले हैं उनको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। जो दोषी लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर है या जो भी लोग हैं, उनको तुरंत सरकार गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, आम लोगों को तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है, कोई सुनता है, आप लोग भी जब सुनते हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं अगर कोई किसान, गरीब किसान आत्महत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज अगर आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। जितने मर्जी किसान मर जाएं, जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें, एक साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। एक साल से 11 महीने से ऊपर हो गए, 11 महीने से ऊपर वहां पे बैठे हैं, 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान देके जा रहा हूं। हो सकता है आपको यह लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग, हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल दिल्ली में करके दिखा दिए, पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले, दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई। आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे।